हेलो दोस्तों, मटकी की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको ब्रेड के पकोड़े बनाना बताने जा रही हूँ। तो इसके लिए हमें चाहिए ब्रेड, आलू की स्टफिंग हम तैयार कर लेंगे। इसको हम आलू को करी पत्ता, जीरा और अजवाइन और हींग के तड़का दे करके हमने डाल दिया। इसमें प्याज डाला हुआ, हरी मिर्च डाला हुआ, धनिया डाला हुआ, ये तैयार है। बस इसमें अब केवल नमक डालना है। और ये बेसन में हम जैसे पकौड़े के लिए तैयार करते हैं वैसे हमने बेसन ले लिया। इसमें हल्दी, अजवाइन और नमक डालेंगे और बारीक कटी हुई धनिया डालेंगे। और चटनी बनाने के लिए टमाटर है, जिससे हम ब्रेड के स्लाइस पे चटनी लगा देंगे। तो पहले हमें ये स्टफिंग तैयार करनी है, फिर हमें बेसन का घोल तैयार करना है। पकौड़ी में बेसन का घोल थोड़ा पतला रहता है, लेकिन हम इसमें गाढ़ा बनाएंगे। ठीक है, इसमें केवल और केवल अजवाइन, हल्दी और नमक ही डालना है हमें बस। तो दोस्तों ये देखिए, हमने इसमें हल्दी डाल दिया है, अजवाइन डाल दिया है, बेसन में हल्दी डाल दिया, धनिया डाल दिया। अब इसका घोल हम तैयार करते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोल तैयार करेंगे, गाढ़ा घोल तैयार करेंगे एकदम। और दूसरी साइड हमने कढ़ाई रख दी है, इसमें अभी तेल डालेंगे, कढ़ाई सूख जाए थोड़ा। तो ये देखिए, हम इसका घोल तैयार करेंगे गाढ़ा सा, बहुत थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। तो देखिए, हमें कंसिस्टेंसी का घोल तैयार करना है। ये देखिए बढ़िया एकदम, जैसे केक वाला बनाते हैं, रिबन वाला कंसिस्टेंसी, ये बस। और इससे ज्यादा हमें पतला नहीं चाहिए। अगर आपका पतला हो गया हो तो थोड़ा बेसन मिला लीजिए छना हुआ। हमने चाट मसाला मिला लिया है, नमक मिला लिया, उसको मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा स्टफिंग तैयार हो गया है पकौड़ी का। ये देखिए, इसको आप चाहे तो तड़का लगा के कढ़ाई में भून भी सकते हैं तवे पर, ऐसे ही अच्छा भी लगता है ऐसे भी। तो ये देखिए, हमारी स्टफिंग तो तैयार हो गई है पकौड़े की। अच्छे से नमक और मसाले सब में मिक्स हो चुके हैं। और अगर आपको लगता है आपका आलू गीला है तो थोड़ा देर इसको फ्रिज में रख सकते हैं 1 घंटा, तो ये थोड़ा बढ़िया मजबूत हो जाएगा। अब इसको हम ब्रेड में लगाएंगे। देखिए, ब्रेड की स्लाइस है, इसमें हम चटनी लगाएंगे। ठीक है, मीठी चटनी पसंद करते हैं तो मीठी चटनी लगाइए, हरी पसंद करते हैं तो हरी। तो मैं इसमें हरी धनिया वाली चटनी लगाने जा रही हूँ, और आप चाहे तो यहाँ पे ग्रीन चिली सॉस और यहाँ पे टमाटर सॉस भी लगा सकते हैं। तो चलिए, अब हम बना लेते हैं और चलते हैं अभी पकौड़ी। आप चाहे तो लगाए चटनी, नहीं है तो ना लगाए। तो हम ऐसे ही स्प्रेड करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में चटनी पसंद ही नहीं करते लोग, तो हम नहीं लगा रहे हैं। तो ये देखिए, ये हमने मिक्सर को स्प्रेड कर लिया चारों ओर, और ये दूसरी स्लाइस लगा दी है। चटनी लगा देंगे और अच्छे से पक जाएगा, पर चटनी गीली नहीं होनी चाहिए। मेरी चटनी गीली हो गई तो मैंने नहीं लगाई। अब इसको हम डाल देंगे बेसन के घोल में। पहले बेसन चेक कर लें एक साइड हुआ है कि नहीं, तेल तेल हो गया हमारा। देखिए बेसन हो रहा है, तो अपना पकौड़े वाला ये देखिए, इसमें डिप कर लेंगे अच्छे से। तो इसको ट्रायंगल शेप में काट के भी डाल सकते हैं, और चाहे तो पूरा होल डाल दें। मैं होल डाल दी पूरा। ये देखिए, आलू भर के हमने इसको ट्रायंगल शेप में काट लिया। तो चाहे तो आप इसे स्क्वायर वाला भी कर सकते हैं, ऐसे ट्रायंगल वाला भी। तो ये देखिए, हमारे ब्रेड के पकौड़े स्क्वायर शेप में बढ़िया अच्छे से दोनों तरफ से सेक चुके हैं। इसको निकाल लेंगे बढ़िया। ये हम लेंगे ऐसे बेसन घोल में, और ये ट्रायंगल शेप में करने से होगा आराम से। देखिए, हिला सकते थे बढ़िया, और कटिंग नहीं करनी पड़ेगी बाद में आपको। बस दूसरे साइड से पलट दीजिए अच्छे से, सेक जाए ऐसे ही। दूसरे साइड से ये भी पलट देंगे। घर में भी खा लेंगे बना के बैठ पकौड़ा, बरसात में बहुत मजा आएगा खाने में चटनी से। तो ये देखिए, हमारे ब्रेड पकौड़े अच्छे से दोनों तरफ से सेट हो गए बढ़िया दोनों साइड से। ये स्क्वायर शेप वाले को भी हमने कट कर लिया है, ऐसे भी कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये देखिए हमारे ब्रेड के पकोड़े घर में कितने औसम बन के तैयार हो गए। आप भी बनाइए और स्वाद लीजिए ब्रेड के पकोड़ों का, चटनी से, चाय से, जैसे भी आप खाना चाहें। और देखिए कितने क्रिस्पी और बढ़िया बने हैं पकोड़े, बाजार से हेल्दी भी है, घर के बेसन के घर के तेल में तले हुए हैं। तो आप भी इंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, मुटकी के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।